Aslam class, welcome to week number eight. And in this week, we'll talk a little bit about wired lands in first section and about wireless lands, which are called WLANs, in second section. So let's check out the objective of the lecture before we proceed and discuss wireland standards. So the objectives are the student will be able to understand the Ethernet protocol, student will be able to define the first and second layers implementation on Ethernet. Students will also be able to define collision domains. So let's move on and let's talk about the basics of wired LANs. So till now we have discussed general issues related to the data link layer. That is in chapter number 9 till chapter number 12. In this chapter, we will discuss wired LANs. Although over the few decades, many wired LAN protocols exist, but only the Ethernet technology survives till today. This is the reason that's why we will discuss only the technology and its evolution in this chapter. The sections that we'll discuss in this lecture are in the first section, we will discuss Ethernet protocol in general. It explains the IEEE project 802, which defines logical link control and media access control sub-layers for all the LAN, including Ethernet. This section also lists the four generations of Ethernet. In the second section, we will discuss the standard Ethernet. Although this generation is rarely used in practice, most of the characteristics have been inherited by the following three generations. The section first describes some characteristics of the standard Ethernet. It then discusses the addressing mechanism, which is same in all Ethernet generations. The section will also discuss the access method, which is CSMA/CD, which we previously discussed in Chapter 12. The section then reviews the efficiency of the standard Ethernet. इट दैन शोज द इनकोडिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस जनरेशन बिफोर क्लोजिंग द सेक्शन द चेंज इन द जनरेशन दैट रिजल्ट इन द मूव टू द नेक्स्ट जनरेशन आर लिस्टेड तो देखा जाए कि चैप्टर नंबर टू में जब हम लोगों ने टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल का जिक्र किया था तो उसमें मे चीज़ नज़र आई थी कि टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल जो है वो नहीं डिफाइन करती कोई भी प्रोटोकॉल फॉर डटल लिंक ऑफ फिजिकल एयर के लिए अगर देखा जाए तो प्लीज टी सी पी आई पी एक्सेप्ट करता है कोई प्रोटोकॉल जो भी जो इन दो लेयर्स के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर सके टू तो द नेटवर्क लेयर डाटा लिंक लेयर फिज़िकल लेयर्स आर एक्चुअली द टेरेटरीज ऑफ द लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क तो जितना भी आप लोगों का लोकल एरिया या इंटरनेट चलता है वो इन दोनों लेयर्स की वजह से चलता है जो कि डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर है तो इसका मतलब हम ये दो डिस्कस करेंगे इन दो लेयर्स को तो हम लोग बात करेंगे नेटवर्क्स की जो उनको इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि ये जो प्रोटोकॉल्स हमारे पास होंगे ये वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क पर चल सकती हैं तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे वायड नेटवर्क्स को इन दिस चैप्टर में और उसके बाद हम लोग उसको रिलेटेड डिस्कस करेंगे वायरलेस नेटवर्क्स के अंदर ने कि उसमें ये किस तरह काम करती हैं तो चैप्टर वन में अगर आपको याद हो हम लोगों ने लैंड के बारे में जिक्र किया था कुछ लैंड टेपोलॉजी देखी थी तो लैंड की जब टेपोलॉजीज़ की हमने बात की थी तो हम लोगों ने एक छोटा सा लिमिटेड सा जोग्राफिकल एरिया दिखाया था जो कि बिल्डिंग और कैंपस की हद तक था ऑल दो लैंस कैन बी यूज एज एन आई सी एल टी नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन ऑर्गनाइजेशन फॉर द सोल पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोसिस तो बेसिक मकसद आपका लैंस के ऊपर रिसोर्स शेयरिंग ही होता है लेकिन आज आज हम देखें कि लैंस जो हैं वो लिंक होते हैं वाइड नेटवर्क के साथ और वो आपका एक इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिफाइन करते हैं नाइनटीन एटी से लेकर नाइनटीन नाइन्टी तक जितने भी लैंस आपके क्रिएट किए गए थे जितने भी लैंस थे वो सारे मीडिया एक्सेस मैथड को यूज़ करते थे ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और शेयरिंग कर सकें मीडिया के ऊपर तो इथरनेट यूज़र सी एस एम सी डी अप्रोच तो इथरनेट ने हमेशा सी एस एम ए सी डी अप्रोच ही यूज़ की इसके अलावा टोकन रिंग भी थी मेरे पास टोकन बस भी थी एफ डी डी आई थी फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन डाटा इंटरफेस जिसको फिडी बोलते हैं ये जो टोकन रिंग और टोकन बस और फीडी था ये बेसिकली टोकन पासिंग की अप्रोच को यूज़ करते थे और ये सी एस एम ए सी डी को इस्तेमाल नहीं करते थे और ये 80s और 90s की दिहाई थी जिसके अंदर आप लोगों के पास ए आए जो कि बाद में हमारे पास वैन टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ हो और जिसने सारी इंटरनेट को तेज़ किया स्पीड अप किया तो देखा जाए कि मार्केट में से जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमारे पास या टेक्नोलॉजीज थी या मैथडोलोजीज थी हमारे पास कम्युनिकेशन उदर ओवर दी लैन वो ख़त्म हो गई और सिर्फ इथर्नेट ही रह गया क्योंकि इथेनेट जो था अपने आप को अपडेट करता रहा टू मीट द नीड्स ऑफ द टाइम तो इसका एक ख्याल और भी ये किया जाता है कि जी इथरनेट प्रोटोकॉल जो थी वो इस तरह अपने डिज़ाइन की गई थी कि वो इवॉल्व कर सकेगी अपने साथ, अपने आप को डिमांड्स के लिए जो कि हायर ट्रांसमिशन रेट्स को सपोर्ट करती है ट्रांसमिशन के लिए आपको टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करनी पड़ी जबकि आपके इथर्नेट जो था वो खुद ही इवॉल्व होता रहा और बेहतर होता गया तो इथरनेट की एवोल्यूशन की वजह से जो कॉस्ट थी वो काफ़ी हद तक कम रही तो ये तो थी थोड़ी सी ब्रीफ़ हिस्ट्री अबाउट इथरनेट आगे चलते हैं और इथर्नेट के बारे में तो और डिस्कस करते हैं तो नाइनटीन में कंप्यूटर सोसाइटी फॉर द आई टूपरी स्टार्टड अ प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रोजेक्ट एट जीरो टू का नाम दिया था टू सेट स्टैंडर्ड्स टू एनेबल इंटर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फ्रॉम वराइटी ऑफ मैनुफैक्चर तो स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा रहे थे ताकि एक स्टैंडर्ड रखा जाए ताकि जितने भी हमारे पास डिफरेंट मैनुफेक्चर्स हैं वो स्टैंडर्ड को यूज करें ताकि कम्युनिकेशन हर कंप्यूटर के साथ हो सके प्रोजेक्ट एट जीरो टू डज नॉट सीक टू रिप्लेस एनी पार्ट ऑफ द ओ एस आई मॉडल और टी सी आई पी प्रोटोकॉल इट is अ वे ऑफ स्पेसिफाइंग फंक्शंस ऑफ द physical लेयर एंड द डाटा लिंक लेयर ऑफ मेजर लैंड प्रोटोकॉल्स तो ये डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है इसमें बेसिकली उन्होंने रिलेशनशिप दिखाया एड जीरो टू स्टैंडर्ड्स का टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल के साथ और उसके सब डिवाइडेड लेयर्स डाटा लिंक क्लेयर की और जो कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल है IEEE has also created several physical layer standards for different LAN protocols. So IEEE के पास काफी standards हैं जो कि define करते हैं कि LAN पे protocol किस तरह हो सकती है। तो 802 जो standard था, जो project था हमारे पास, उसमें जो पहला point है हमारे पास, जो पहला standard आया 802.1, वो basically logical link control के बारे में था। Logical link control जो वो handle करता है framing को, flow control और error control को, जो पीछे हम लोग सारा पढ़ के आए हैं। जहाँ तक रहेगी बात framing की, तो framing हमारी logical link control पे और मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो सब लेयर हैं लॉजिक डाटा लिंक लेयर की दोनों उसको हैंडल करते हैं तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो है वो आप लोगों का इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट लैंस जो होते हैं उसको उसकी प्रोटोकॉल को प्रोवाइड करता है समझाता है क्या चीज़ है वो किस तरह किया जाएगा और बिकॉज इट मेक्स अ मैक सब लेयर ट्रांसपेरेंट और इसकी वजह से हमारे पास जो मैक सब लेयर है वो काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि जी ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल का लॉजिक लिंक कंट्रोल सर किस तरह कनेक्शन होगा ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ पे ये यह है तो सेकंड ईयर की बात करते हैं जो कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल है पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास रैंडम एक्सेस कंट्रोल एक्सेस मैकेनिज्म था जिसको हमने पढ़ा था तो आई ट्रिपल ई जो प्रोजेक्ट एग्जी था उसने भी मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए एक डिफाइन किया था मैथड जो कि हर लाइन में इस्तेमाल हो सकता है फॉर एग्जाम्पल डिफाइनजर सी एस एम एडी एज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल फॉर इथेनेट लेंस एंड डिफाइंस टोकन पासिंग मैथड फॉर द टोकन रिंग टोकन पास एंड फीडी ठीक है जो कि लेंस में इस्तेमाल होती है इसके अलावा मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो फ्रेमिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है जो कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि आई ट्रिपल ई एट जीरो टू जो वर्किंग ग्रुप है इसमें कुछ हमारे पास जो ग्रुप्स हैं जो भी स्टिल एक्टिव हैं जो कि एट जीरो टू पॉइंट एलेवन देखें एट जीरो टू पॉइंट थ्री इथेनेट के लिए एट जीरो टू पॉइंट एलेवन वायरल लैंस के लिए एट जीरो टू पॉइंट फिफ्टीन जो है वो आप लोगों का ब्लूटूथ के लिए वायरलेस पर प्राइवेट एरिया नेटवर्क जो के लिए है सिक्सटीन सेवनटीन सर नाइनटीन ट्वेंटी टू और ये जो आप नज़र आ रहे हैं आप लोगों को इस साइड पर इनएक्टिव हैं ये इस्तेमाल नहीं होते अब ये लेकिन डिफ़ाइन किए गए ट्रिपल ई की तरफ से लॉजिकल एंड कंट्रोल के बारे में देखें तो फ्रेमिंग का जिक्र किया हम लोगों ने अभी तो फ्रेमिंग में देखेंगे जी कि इसकी जो प्रोटोकॉल है डाटा वो जो उसका पी डी यू है जो प्रोटोकॉल डाटा यूनिट है जो पी डी यू के है वो सिमिलर है एच डी एल सी के जब सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने वो सही लेयर्स पढ़ी थी तो आप सबके साथ ये डिस्कस किया था कि जी के लेयर टू जो होती है वो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का तो लगाती है हेडर और उसका ट्रेलर लगाती है लेकिन मीडिया एक्सेस कंट्रोल का सिर्फ हेडर लगाया जाता है तो यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन की गई कि जी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल का सिर्फ हेडर लगाया जाता है यहाँ और लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो आप लोगों को एरर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड कर रही होती है सो लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि हमारे पास इथरनेट का स्टैंडर्ड क्या है इथरनेट जो था वो 1970 में रॉबर्ट मैकालफी और डेविड बोगस ने डेवलप किया था और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये तकरीबन चार जनरेशन से गुजर चुका है जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड इथरनेट है जो कि टेन मैगाबिट्स पर सेकेंड के ऊपर आता है फिर उसके बाद हंड्रेड मैगाबिट्स पर सेकेंड वाली जनरेशन आई थी वन गीगा वाली जनरेशन और उसके बाद फिर टेन गीगाबिट्स पर सेकेंड वाली जनरेशन आई थी सिर्फ स्टैंडर्ड इथरनेट को डिस्कस करेंगे बाकी फास्ट इथरनेट गीगा और टन गीगा के इथरनेट को हम लोग बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे इस लेक्चर में तो ओरिजिनली जो इथरनेट की टेक्नोलॉजी थी उसमें जो डाटा रेट था वो टेन मेगाबिट्स पर सेकेंड था इसको हम लोग स्टैंडर्ड इथरनेट बोलते हैं इस को इम्प्लीमेंट किया गया था दूसरी टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी जो कि इसकी फर्दर जनरेशन हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड फीचर्स थे इसके वो जो है वो चेंज नहीं किए गए ड्यूरिंग द एवोल्यूशन वो वैसे की, वैसे ही काम करता है तो हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड को डिस्कस करेंगे और बाकी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा वो स्टैंडर्ड अगर आपको समझ आ गया तो बाकी में जो थोड़ी बहुत एडवांसमेंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा समझ लीजिएगा तो स्टैंडर्ड इथरनेट के कुछ थोड़े से करेक्टरस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं जो कि उसकी बेस है इंपॉर्टेंट है इथर्नेट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन लेस सर्विस इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रेम जो भेजा जाता है वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम द प्रीवियस फ्रेम से और जो उसके आगे फ्रेम्स है उनके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता इथेनेट हैज़ नो कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट और कनेक्शन टर्मिनेशन फेजेस अ सेंडर कैन सेंड अ फ्रेम वेन एवर इट डिजाइव और पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि जी के मे बी आपका जो रिसीवर है वो उसको हैंडल ना कर सके और आप लोगों का फ्रेम ड्रॉप हो सकता है ये ड्रॉपिंग ऑफ फ्रेम जो है रिसीवर साइड पे इसकी ना तो कोई एक्नॉलेजमेंट आती है इथेनेट के ऊपर ना ही उसको पता चलता है के फ्रेम भेजा था मुझे और ना ही सेंड्रो पर चलता है कि वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा क्योंकि ये आईपी पी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अगर आईपी को देखा जाए तो वो भी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और उसको भी पता नहीं चलेगा कि आपने जो फ्रेम भेजा है वो उसको मिला कि नहीं मिला तो आपके पास रहेगी सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर वाली लेयर जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर है और ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर आप लोग यू फ्रेम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कनेक्शन होते हैं इट तो फ्रेम लॉस हो जाना कुछ भी हो जाना वो जब तक के एप्लीकेशन लेयर तक नहीं पहुंचेगी पता नहीं चलेगा उनको लेकिन अगर आप लोगों की ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है तो सिर्फ वो एक प्रोटोकॉल है जो कि एक्नॉलेजमेंट देती है सेगमेंट्स की और अगर उसमें कुछ खराबी हो जाए कुछ ना मिले डाटा आप लोगों का कुछ फ्रेम ना मिले आप लोगों को तो वो उसको कहता है कि उसको रिसेंट किया जाए तो इथरनेट जो है वो भी अनरिलाईबल है जिस तरह आपका आईपी है और यूडीपी है अगर फ्रेम आप लोगों के करप्ट हो जाते हैं या फ्रेम आप लोगों के या आपके फ्रेम के अंदर कोई एरर निकल आता है रिसीवर एंड के ऊपर क्योंकि उसमें सी आर सी थर्टी टू लगा होता है जो कि ज़्यादा रिलायबल है एरर फाइंड करने के लिए तो आपका रिसीवर जो है वो कुछ भी नहीं करता वो सिंपली डिस्कार्ड कर देता है फ्रेम को और आपकी जो हायर लेवल प्रोटोकॉल्स होती हैं वो जब उसके बारे में फ़ाइंड आउट करती हैं उनको पता चलता है जी कि एरर आ गया था तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेती हैं और फिर वो फ्रेम को दोबारा मंगवाती हैं तो देखा जाए तो हमारे पास इथेनेट का जो फ्रेम है उसमें हमारे पास सात फील्ड्स हैं वो सेवन फील्ड्स जो हैं वो प्रीएम्बल है एस है उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस है सोर्स एड्रेस है टाइप आती है और उसके बाद हमारे पास डाटा इट सेल्फ जो उसको हम लोग पे लोड बोलते हैं और आखिर में हमारे पास चार बाइट का सी होता है जो कि थर्ट टू बिट्स बनती हैं तो ये फील्ड्स क्या हैं इनको थोड़ा सा तो डिस्कस कर लेते हैं प्रीएम्बल जो हमारे पास वो पहली फील्ड है इसमें हम पास सात बाइट्स होते हैं इसमें हम पास आल्टरनेट जीरो वन जीरो वन जीरो वन आ रहे होते हैं इसका सोल पर्पस जो है वो आपकी सिक्रोजेसन ऑफ क्लॉक्स है ताकि आपका जो रिसीवर है वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो अपने आप को सिंक्रोनाइज कर ले तो ये आपको अल्टरनेट पल्स टाइमिंग बताता है जीरो वन जिससे आप लोगों की टाइमिंग सेट हो जाती है ये जो फिफ्टी सिक्स बिट का जो प्रीएम्बल है ये असल में फ्रेम का पार्ट नहीं होता बेसिकली ये फिज़िकल लेयर जो होती है वो आप लोगों की फ्रेम से पहले भेजती है और ताकि आपका रिसीवर जो है वो अपने आप को सिंक्रोनाइज़ कर सके उसके बाद आता है हमारे पास जी एस एफ टी जो कि स्टार्ट ऑफ फ्रेम डीलिमीटर है इसमें हमारे पास जो बिट्स आती हैं एक बाइट का होता है इसमें आठ बिट्स आती हैं ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 ये सिग्नल करता है कि जी के फ्रेम अब स्टार्ट होगा इसके बाद और एस एफ डी स्टेशन को वॉर्न करता है कि आपके पास लास्ट चांस है ताकि अपने आप को आप सिंक्रोनाइज़ कर सकें आखिर के जो दो बिट्स होते हैं जो कि वन वन है वो आपको रिसीवर को बताते हैं कि अब जो अगली फील्ड आएगी वो डेस्टिनेशन एड्रेस की आएगी ये फील्ड एक्चुअली इज़ अ फ्लैग दैट डिफाइंस द बिगनिंग ऑफ द फ्रेम वे नीड टू रिमेंबर दैट द इंटरनेट फ्रेम इज़ अ वेरिएबल लेंथ तो हमारे पास वेरिएबल लेंथ का फ्रेम होते हैं उसमें जो डाटा होता है वो वेरिएबल होता है इट नीड्स अ फ्लैग टू डिफ़ाइन द बिगनिंग ऑफ द फ्रेम तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें बिगनिंग ऑफ द फ्रेम को डिफ़ाइन कर सकें तो एस एफ डी जो है वो भी फिजिकल एरी ऐड करती है आपकी नेक्स्ट आती है मेरे पास डेस्टिनेशन एड्रेस छः बाइट की होती है फोर्टी एट बिट्स इसके अंदर होते हैं द लिंक ले एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन स्टेशन और स्टेशन टू रिसीव द पैकेट जिसको भेजना होता है उसका एड्रेस चला जाता है इसके अंदर सोर्स एड्रेस कहाँ से पैकेट आया आप लोगों का The field is also six bytes and contains the link layer address of the sender of the packet. Next आता है मेरे type जो के basically upper layer जो हमारे पास हैं protocols जो आ रही हैं उनके बारे में encapsulation होती है frame के अंदर. This protocol can be IP, ARP, OSPF और इसके अलावा बहुत सारी हैं. इसका मकसद इतना होता है कि protocol field in a datagram and the port number of the segment of the user datagram. In other words, इसका purpose इतना होता है कि ये protocol define करती है. कि जो डाटा क्रम आप लोगों का आ रहा है उसका पोर्ट नंबर कौन सा है लेट सपोज आप लोग जो हैं अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपका डाटा जो है वो पोर्ट एटी पे आता है या एट जीरो एट जीरो पर आता है या एट डबल ज़ीरो एट के ऊपर आता है तो ये यूजली जो पोर्ट्स हैं ये आप लोगों की ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है जिसका जिसको लोग बोलते हैं वेब का डाटा सिमिलरली हमारे पास एफ की भी पोर्ट्स होती हैं तो ये डिफ़ाइन करते हैं टाइप कीजिए किस किस्म का पैकेट जो है वो आपको इनकेप्सुलेट हुआ वह आ रहा है नेक्स्ट डाटा या पेयरलोड की बात करें तो द फील्ड कैरीज डाटा एंड कैप्सूलेशन जो कि ऊपर वाले लेयर से डाटा नीचे आ रहा होता है इसमें हमारे पास जो लेंथ होती है डाटा की वो 46 सिक्स पाइट्स से लेकर 1500 सौ बाइट्स तक होती है उसके अंदर हमें मिनिमम 46 सिक्स पाइट्स भेज सकते हैं और मैक्सिमम हम लोग पंद्रह सौ बाइट्स भेज सकते हैं इस ज़्यादा डाटा हम लोग इथेनेट के फ्रेम के अंदर नहीं रख सकते तो अगर आप लोगों का डाटा जो है वो पंद्रह सौ बाइट्स ज़्यादा का आ रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे फ्रेगमेंटेशन करेंगे हम उसको तोड़ेंगे और हम लोग उसको मजीद और फ्रेम्स के अंदर रखेंगे और अगर जो आपने फ्रेम को तोड़ा है जो फ्रेगमेंटेशन की है आप लोगों ने इसकी अगर वो लेस देन 46 सिक्स बाइट्स होगा तो उसके अंदर हम लोग फिर पैडिंग करके एक्स्ट्रा जीरोज़ को ऐड कर तो उसको फोटी सिक्स बाइट्स तक लेके जाएंगे तो वो पैडेड फ्रेम जो होता है वो फिर अपर लेयर्स को जाता है और फिर वो अपर लेयर्स होती हैं वो पैडिंग को निकाल देती हैं तो उसका मतलब ये है कि जी अपर लेयर्स का ये काम होता है कि वो पैडिंग को वहाँ से हटाएँ लास्ट फील्ड जो है हमें सी वो सी की है इसमें हमारे पास एरर डिटेक्शन इन्फॉर्मेशन होती है बत्तीस बिट का सीआरसी इसमें रखा जाता है तो सीआरसी आर सी बिट्स को लेके कैलकुलेट किया जाता है द सी आर सी इज़ कैलकुलेटेड ओवर द एड्रेस टाइप्स एंड डाटाफील्ड तो मेरे पास तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग बेस के ऊपर हम लोग सी आर सी को कैलकुलेट करते हैं इफ़ द रिसीवर कैलकुलेट द सी आर सी एंड फाइंड दैट इट इज़ नॉट ज़ीरो तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है फ्रेम को जो कि सी आर सी की मेथोडोलॉजी है तो इथर्नट जो है वो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शन मिनिमम के भी ऊपर जो कि फोर्टी सिक्स बाइट्स हैं हमारे पास और मैक्सिमम पे भी जो कि फिफ्टी हंड्रेड बाइट्स हैं हमारे पास जो मिनिमम फ्रेम रिस्ट्रिक्शन लगाई गई यहाँ पे उसके पीछे वक्त मकसद बेसिकली सी एस एम एस सी डी का प्रॉपर फंक्शन है अगर आप देखें याद हो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सी एस एम एस सी डी को पढ़ने के लिए एक फ्रेम साइज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि वो डिटेक्शन कर सके फ्रेम की अगर होती है कोलिजन तो तो इथेनेट का जो फ्रेम है पूरा फ्रेम जो है वो मैक्सिमम 512 बाइट्स का होता है और मिनिमम 64 बाइट्स का हो सकता है तो इसके फ्रेम के पार्ट के अंदर हमारे पास हेडर होता है ट्रेलर होता है जो कि 18 बाइट्स का होता है 6 बाइट्स का सोर्स एड्रेस होता है और 6 बाइट्स का हमारे पास डिस्टिनेशन एड्रेस होता है दो बाइट के हमारे पास लेंथ होती है टाइप की चार बाइट सी आर सी के होते हैं तो मिनिमम लेंथ जो डाटा हमारे पास है वो फोर्टी सिक्स बाइट्स बनता है इफ़ द अपर लेयर पैकेट इज़ लेस दैन फोर्टी सिक्स बाइट्स उसमें हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं ताकि हम उसको डिफरेंसेस को पूरा कर सकें तो इथेनेट का स्टैंडर्ड जो है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्रेम जो डिफाइन करता है इंक्लूडिंग प्रीएम्बल और एस एफ डी वो पंद्रह सौ अट्ठारह बाइट्स बनते हैं इसके अगर हम उसमें से अठारह बाइट्स निकाल दें हेड ट्रेलर के तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेल ऑट पंद्रह सौ बाइट्स बन जाती है तो इसकी लेंथ की रिस्ट्रिक्शन के पीछे हमारे पास दो रीजनस हैं जिनका ताल्लुक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है पहले तो ये कि मेमरी वॉज वेरी एक्सपेंसिव वेन इथेनेट वॉज डिज़ाइनड मैक्सिमम लेंथ की रिस्ट्रक्शन जो थी उसने हमें हेल्प किया कि हम बफर साइज़ को रिड्यूस रख सकें सेकेंड द मैक्सिमम लेंथ रिस्ट्रक्शन प्रिवेंट्स वन स्टेशन फ्राम मोनोपलाइजिंग द शेड मीडियम तो ज़्यादा देर तक शेयर मीडियम को होल्ड ना करे ताकि दूसरे लोग जो हैं कहीं ब्लॉक होकर बैठे ना रहें और वो डेटा ना सेंड कर सकें नॉन लेट स्टॉक अबाउट एड्रेसिंग जो हमारे पास स्टेशन है इथनेट के ऊपर चाहे वो पीसी हो चाहे वो आपका प्रिंटर हो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो उसका अपना एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसको हम लोग एन बोलते हैं और कम्युनिकेशन जो होती है वो बग़ैर एन के नहीं हो सकती तो एन जो होता है वो यूजली स्टेशन को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो कम्युनिकेशन कर सकें यूजिंग लिंक लेयर एड्रेसिंग वो फोर्टी बिट का होता है इतना एड्रेस जो कि छः बाइट्स बनते हैं यूजली हम लोग उसको एग्जा में लिखा जाता है अगर आपको ज़्यादा हो हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था जब हम लोग चैप्टर नंबर टू पढ़ रहे थे तो ये वही मैक एड्रेस है जो कि एन कार्ड को दिया जाता है इसमें हम लोग कॉलन नोटेशंस देते हैं शो करता है कि इथेनेट का मैक एड्रेस है ये जो कॉलन नोटेशन आप लोगों को नज़र आ रही है इसमें ये बेसिकली सिस्को की डिफाइंड है इसके अलावा एक और भी कॉलन नोटेशन होती है जो मैंने क्लास में आप लोगों से डिस्कस की थी जिसमें हम लोग चार के बाद कोरन लगाते हैं राधर देन दो के बाद कोरन लगाएँ तो ट्रांसमिशन ऑफ एड्रेस बेट्स इथेनेट के अंदर एक्जैक्ट एस में नहीं भेजी जाती तो ट्रांसमिशन जो होती है आप लोगों की इथर्नेट के अंदर वो लेफ़्ट टू राइट होती है और बाइट बाय बाइट ट्रांसफर किया जाता है जब आप इसमें ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इसमें आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो पहले जाती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट आपकी आखिर में जाती है ये जो बिट्स होती हैं आपकी जो एड्रेस के अंदर डिफ़ाइन uh, होती हैं दैट इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिफ़ाइन की जाती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर आपके रिसीवर को बताती है कि जो आप लोगों का डाटा एड्रेस किया जा रहा है वो यूनिकास्ट है मतलब कंप्यूटर से कंप्यूटर नोट टू नोट दिया जा रहा है स्पेसिफिक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जा रहा है या वो मल्टी कास्ट है जिसका मतलब ये है कि जी के एक स्पेसिफिक ग्रुप को वो फ्रेम भेजा जा रहा है अगर आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो फ्रेम के अंदर जीरो होगी तो इसका मतलब है कि ये यूनिक कास्ट है इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को स्पेसिफिकली एड्रेस टू एड्रेस ट्रांसफ़र किया जा रहा है और अगर यही लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आप लोगों की वन होगी तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का डाटा जो है मल्टी कास्ट है जिसमें जो डाटा है वो आप लोगों का बाकायदा किसी एक ग्रुप को ट्रांसफर किया जा रहा है तो ये तो बात की हम लोगों ने यूनिकास्ट और मल्टी कास्ट की इसमें हमारे पास एक चीज़ और होती है बोलते हैं ब्रॉडकास्ट तो ब्रॉडकास्ट के अंदर जो आप लोगों का फ्रेम होता है उसके अंदर जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो सारे सारे वन होते हैं दैट मीन्स फोर्टी एट वन होते हैं उसके अंदर तो जब आपको रिसीव होता है फ्रेम और उसमें आपको फोर्टी एट वंस मिलते हैं तो आपको चलता है कि जी कि ये ब्रॉडकास्ट फ्रेम है और ये सारे के सारे लैंड में जितने कम्प्यूटर्स होते हैं उन सबको ये ट्रांसमिशन जाती है और वो रिसीव कर सकते हैं और इसके अंदर जो सोर्स एड्रेस होता है वो हमेशा एक ही होता है क्योंकि एक स्टेशन सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है तो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जहाँ पर वो नोट करने वाली ये है कि यूनिकास्ट ट्रांसमिशन जब आपकी की जाती है इथरनेट के ऊपर तो ऑल स्टेशन होते हैं वो रिसीव करते हैं फ्रेम को ये तो कॉमन चीज़ है सबको पता है लेकिन जो इंटरनेड रेसिपियंट होता है से वही फ्रेम को रखता है बाकी इसको डिस्कार्ड कर देते हैं फ्रेम को सिमिलरली मल्टी कास्ट ट्रांसमिशन के अंदर जो फ्रेम होता है वो सारे स्टेशन को पहुँचाया जाता है और जो स्टेशन उस ग्रुप के मंबर होते हैं वही उस फ्रेम को रख लेते हैं और बाकी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं सिमिलरली जो आप लोगों का तीसरा पार्ट है ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन में सारे स्टेशन होते हैं एक्सेप्ट द सेंडर विल रिसीव द फ्रेम और जो होते हैं सारे स्टेशन होते हैं वो फ्रेम को रख लेते हैं और उसको हैंडल कर लेते हैं प्रॉपरली तो अगर देखा जाए कि जो नेटवर्क हमारे पास जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड इथरनेट प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हैं वो एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है बहुत सारे इसमें हमारे पास नोड्स होते हैं और हम लोग इसमें मल्टीपल एक्सेस है तो हमें एक एक्सेस मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम कंट्रोल कर सकें शेड मीडियम को और इथर्नेट जो होता है हमारे पास वो सी एस को यूज़ करता है विद वन परसिस्टेंट मैथड जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और सिमिलरली जो फ्रेम का साइज़ है हमारे पास वो अगर देखा जाए तो हमारी ट्रांसमिशन 10 मेगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर 51.2 माइक्रो सेकंड में होती है तो उस लिहाज से हम लोगों ने बिट जो है वो डिफ़ाइन किए हैं इथेनेट की जिसको हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, में डिस्कस भी किया है कि ऐसा क्यों होता है तो इथेनेट की इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इथेनेट स्टैंडर्ड जो है वो डिफ़ाइन करता है सेवरल इम्प्लीमेंटेशन जिनमें से चार जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई ड्यूरिंग नाइनटीन जिनका जिक्र हम लोगों ने लैब में ही किया था जिसमें टेन बेस फाइव थिक को एक्सल केबल का जो नेटवर्क है टेन बेस टू थेन इथरनेट है फिर टेन बेस टी जिसमें हम लोग यू टी पी इस्तेमाल करते हैं और टेन बेस एफ जिसमें हम लोग दो फाइबर इस्तेमाल करते हैं इथरनेट की स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो जहाँ पर डिजिटल सिग्नलिंग हो रही होती है टेन मेगाबिट्स पर सेकेंड के ऊपर उसमें सेंडर डाटा जो है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में यूजिंग मैनचेस्टर स्कीम और रिसीवर जो होता है इंटरप्रेट करता है मैनचेस्टर एंड डिकोड इनटू डाटा जो कि मैं अपने फोर में डिस्कस किया था मैनचेस्टर कोडिंग जो थी हमारे पास अगर आपको याद हो सेल्फ सिंक्रोनस थी प्रोवाइडिंग अ ट्रांजिशन एट ईच बिट इंटरवल तो इथर्नेट की जो इम्प्लीमेंटेशन थी टेन बेस फाइव हम लोगों ने लैम डिस्कस की थी मैं इसमें दोबारा इसको डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पर डिटेल में इफ़ यू नीड टू नो मोर आप इसको बुक में पढ़ सकते हैं टेन बेस टू टेन बेस टी और टेन बेस एफ़ ये सारी डिस्कस हुई थी लैब के अंदर अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पता तो आप बुक से इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं दे आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू गेन नॉलेज बेसिकली वो जो सारी इंफॉर्मेशन थी लैब वाली वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी गई है इस टेबल के अंदर जिसमें टेन बेस फाइव के बारे में इंफॉमेसन है टेन बेस टू कितनी लेंथ तक जा सकते हैं मैक्सिमम इनको क्या बोलते हैं और ये इसमें कोडिंग कौन इस्तेमाल होती है ये दिखाई गई थी लैब के अंदर तो थोड़ी सी चेंजेस जो इथर्नेट स्टैंडर्ड में हुई उसको थोड़ा तो सब तो तो डिस्कस कर लेते हैं इन चेंजेस की वजह से आपके पास एवोल्यूशन आई इथेनेट के ऊपर टू बिकम कम्पर्टेबल विद द हायर डाटा रेट लाइन तो जो पहली चेंज आई थी उसमें हमारे पास इथेनेट की जो एवोल्यूशन थी उसमें हम लोगों ने डिवीजन की थी लाइन की यूजिंग ब्रिज तो हम लोगों ने बीच में ब्रिज लगा दिए थे और इन ब्रिज को लगाने से जो हमें फ़ायदा हुआ था ये कि जो हमारी कोलिजन डोमेन्स थी वो डिवाइड हो गई थी दो में तो अगर आप ब्रिज लगाते हैं लाइन के ऊपर तो उससे आप लोगों की एक तो बैंडविड्थ बढ़ जाती है और आप लोगों की क्लोजन डोमेन दो हो जाती है डिवीजन हो जाती है उसकी तो अगर इथरनेट के अंदर आप लोग ब्रिजिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि जी आपकी जो जी कैपेसिटी है वो टेन मैगाबिट्स पर सेकेंड है जो कि सारे स्टेशन के बीच में शेयर हो रही होती है अगर एक स्टेशन ने फ्रेम सेंड करना है तो वो बेनिफिट लेता है पूरी कैपेसिटी का और टेन मैगाबिट पर सेकंड की स्पीड से वो डाटा ट्रांसफर करता है लेकिन अगर ज़्यादा स्टेशंस ने नेटवर्क को इस्तेमाल करना है तो कैपेसिटी उनके बीच में शेयर हो जाती है लेट सपोज कि अगर एक स्टेशन है जिसने फ्रेम भेजना है और एक और स्टेशन उसके साथ है जो सेकंड स्टेशन वो भी ट्रांसमिट करना चाहता है तो इनकी आपस में अल्टरनेट यूजेज होगी नेटवर्क की लिंक की जब एक स्टेशन भेज रहा होगा तो दूसरा इंतज़ार कर रहा होगा तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जी कि जितनी देर वो वेट करेगा तो हमारे पास जो नेटवर्क की एवरेज सेंडिंग रेट है वह पाँच मेगाब्रिट्स पर सेकेंड होगा क्योंकि जब एक भेज रहा है दूसरा वेट कर रहा है उसका वो टाइम ज़ाया हो रहा है तो वो इतनी देर में सेकंड्स के अंदर वो इतनी बिट्स नहीं भेज सकेगा तो बेसिकली आप लोगों का हाफ हो जाता है तो ब्रिज जो होता है वो हमारे नेटवर्क को दो में डिवाइड कर देता है और उसको दो नेटवर्क बना देता है तो बैंडविट वाइज देखा जाए तो हर डिविज़न ऑफ नेटवर्क की बैनविट जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई गई इस डायग्राम में अगर आप लोगों को बारह स्टेशन नजर आ रहे हैं और उनको हम डिवाइड कर देते हैं अगर दो नेटवर्कस में बीच में ब्रिज लगा के तो हमारे पास छः स्टेशन ऑन द लेफ्ट और छः स्टेशन ऑन द राइट हो जाते हैं और ईच नेटवर्क के हमारे पास देखेंगे तो दस माकेब्स पर सेकेंड की कैपेसिटी आ जाएगी तो ये जो दस माइकबिट्स की कैपेसिटी है रादर दैन शेयरिंग बिटवीन द टवेल्व हम इनको अब छः में शेयर कर सकते हैं तो इस तरह देखा जाए हमारे पास जो स्टेशन की शेयरिंग ऑफ कैपेसिटी है वो टेन बाई ट्वेल्व से कम होके टेन बाई सेवन के ऊपर आ जाएगी और सेवन का मतलब ये है कि जो हमारा जो ब्रिज है वो भी शेयर कर रहा होता है वो भी इसको उसको भी हम लोग एक नोड ही समझते हैं तो सिमिलरली अगर हम लोग इस नेटवर्क को फर्दर डिवाइड कर दें तो हम लोग इसमें ज़्यादा बैंडविड्थ को गेन कर सकते हैं क्योंकि हर सेगमेंट की बैंडविड्थ फिर अलग हो जाएगी इंडिपेंडेंट हो जाएगी ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जी के ब्रिज करने से हमारे पास बैंडविड्थ में क्या फ़र्क पड़ता है नॉन रेड्स चेकआउट के जी अगर हम लोग सेपरेट करने कर तो हमें उससे क्या फ़ायदा होता है तो इस डायग्राम में अगर आप लोग पिंक रंग वाली जो डायग्राम है उसका बी पार्ट देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि कुलुशन डोमेन्स जो हैं फॉर एन अनब्रिजड एंड ब्रिज नेटवर्क आपको दिखाई गई हैं और हम लोग देख सकते हैं कि कुल्यूशन डोमेन जो है हमारी और छोटी हो जाती है और पॉबिलिटी ऑफ कुल्यूशन जो होती है वो ज़्यादा कम हो जाती है हमारे पास जबकि विदाउट ब्रिजिंग बारह स्टेशन जो कनेक्टेड थे वो जब एक्सेस करेंगे मीडियम को तो उसमें कुलूशन के ज़्यादा चांसेस है वेयर एज अगर हम देखें कि हमारे पास हम उनको क्ल्यूजन डोमेन्स को अलग कर देते हैं तीन तीन में डिवाइड कर लें तो आपके पास क्लूजन्स जो होती हैं उसकी प्रॉबलिटी मजीद कम हो जाती है तो हमारे पास जो ब्रिज लैंड का जो आइडिया था उसको हम लोगों ने एक्सटेंड किया और हम लोगों ने उसके अंदर स्विच को इंट्रोड्यूस करवा दिया तो ये कहलाते हैं स्विच लैंड जिसमें हम लोग स्विच इस्तेमाल करते हैं इंस्टाइड ऑफ ब्रिज इसमें रात दिन डिवाइडिंग नेटवर्क को दो में या चार में हम लोग यहाँ पे एन नंबर पे डिवाइड कर लेते हैं मतलब जितने स्टेशन हैं उतने ही हम लोग उसको डिविजन्स कर सकते हैं जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ब्रिज होगा उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होंगी जिसमें हम लोग हर स्टेशन को अलग अलग कनेक्ट कर सकते हैं तो हमारे पास लेयर टू का स्विच है जिसमें हमारे पास एन पोर्ट ब्रिजेस हैं और ये काफ़ी सफेस्टिकेटेड किस्म का होता है और इसमें हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं वो ज़्यादा फास्टर हैंडल किए जा सकते हैं तो एवोल्यूशन है ब्रिज इथरनेट का स्विच इथरनेट और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसकी वजह से हमारे पास कम्युनिकेशन ज़्यादा फास्ट होती गई स्विच लेंस की वजह से एक मसला जो हमारे पास स्टैंडर्ड इथेनेट के अंदर आ रहा था वो था जी टेन बेस फाइव और टेन बेस टू में जो कम्युनिकेशन होती थी वो हाफ डुप्लेक्स पे होती थी जिसमें स्टेशन या तो रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है दोनों एक साथ नहीं कर सकता जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एवोल्यूशन का था वो था स्विच इथेनेट की तरफ मूव करना जिसमें हमारे पास फुल डुप्लेक्स स्विच इथेनेट हो और इस फुल डुप्लेक्स की वजह से हमारी कैपेसिटी जो थी डोमेन की वो बढ़ गई फ्रॉम टेन टू ट्वेंटी मेगाबिट्स पर सेकेंड तो आपके पास इसमें दो लिंक्स दिखाए गए हैं एक ट्रांसमिट कर, कर, है। तो कर रहा है और रिसीव कर रहा है तो ट्रांसमिट टेन मेगाबिट्स पर कर रहा है और रिसीव टेन मेगाबिट्स पर कर रहा है इस तरह यह ट्वेंटी मेगाबिट्स पर सेकेंड बन जाता है इस किस्म के नेटवर्क के अंदर जिसमें हम लोगों ने स्विच इथरनेट इस्तेमाल किया हम लोगों को सी एस एम सी डी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती तो इस किस्म के इथरनेट के अंदर हमारे पास जो स्टेशन होता है वो कनेक्टेड होता है ब्रिज के साथ यूजिंग फुल duplex कनेक्शन जिसमें हमारे पास दो लिंक होते हैं कम्युनिकेट करने के तो इस किस्म के कनेक्शन के अंदर हमारे पास ना तो ज़रूरत पड़ती है कैरियर सेंस करने की और ना ही हम लोग कुलिजनस को डिटेक्ट करने की हमें जरूरत पड़ती है द जॉब ऑफ द मैक लेयर बिकम्स मच ईजियर यहाँ पर हमारे पास आसान हो गई मैक लेयर की जो वर्किंग थी और यहाँ पर हम लोगों ने सी एस एम सी डी को टर्न ऑफ कर दिया इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड के बाद जितना भी इथरनेट इवॉल्व किया जिसमें हमारे पास फास्ट इथरनेट या अल्ट्रा फास्ट इथरनेट जो कि गीघा ब्रिट्सपर से ट्रांसमिशन है उसमें हम लोगों ने सी एस एम सी डी इस्तेमाल करना छोड़ दिया था जो आजकल आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो इथरनेट के ऊपर इतना ही काफ़ी है मूव uh, करेंगे आगे और हम लोग विल टॉक अबाउट वायरलेस नेटवर्क्स सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर दो नेक्स्ट टाइम टेक केयर अल्लाह हाफिज़